राम राम सा केडी चौधरी फुटेक्स डाड़ीबियाड़ जीवाना जालोर डिस्ट्रिक्ट में अपना पिछले साल अनार का काम स्टार्ट हुआ और आप लोगों ने ये केडी चौधरी फुटेक्स मंडी को एक नंबर की पसंद भी दी और उसी के तौर पे ये साल भी आप लोगों ने डिमांड करने के लिए पहली बार किसी मंडी में किसान आके कहता है जल्दी तारीख डिक्लेयर करो, और ये किसके भाग्य में नहीं आएगा कि किसान खुद आ रहा है और बोल रहा है कि मंडी की तारीख डिक्लेयर करो। पूरा माल होके आई है, आज तो डॉमान दीजिए पूरा हगरा आई है, तो हगरा इनका गिर गया, तो अच्छे माल का अच्छे माल आ रहा है अभी तो माल तो आज फिर मुझे कल डॉक्टर को देखो पता चला ही नहीं। हमारा सर हम डेली मैसेज देते हैं, आज मैसेज देखो कि आज किधर आए, तीन लोग आते हैं डेली डेली करते हैं पूरा नहीं देते बेटा है। हमें आशा है कि पिछले साल जो आप लोगों का विश्वास हमने संपादन किया और आप लोगों ने भी हमारे ऊपर भरोसा रखा और उसी के तौर पे हमने एक सिस्टम लाई थी, वो जो सिस्टम थी टोकन बुकिंग, और टोकन बुकिंग के द्वारा हमने मंडी में ज्यादा माल नहीं आना चाहिए, ग्राहक की डिमांड के हिसाब से ही माल आना चाहिए और बाजार गिरना नहीं चाहिए। ये जो टोकन सिस्टम लाया और इसी सिस्टम के द्वारा हमने मंडी सक्सेस कर दी। और दूसरा कि कैरेट सिस्टम लाया, कैरेट सिस्टम से माल का नुकसान नहीं हुआ, और दूसरी बात इसमें जो ट्रॉली में माल आते थे और वो माल खराब हो जाते थे, व्यापारी का भी पैसा नहीं बनता था और आप लोगों का भी पैसा उसमें बनने की दिक्कत आती थी। तो ये जो छोटी छोटी बातें हमने पहला दिमाग में रखा कि किसान का किधर भी नुकसान ना हो जाए, एक तो टोकन सिस्टम, दूसरा कैरेट सिस्टम और तीसरा मशीन ग्रेडिंग मशीन, कि ये जो सिस्टम हमने लाई और इसी के दौर से ये साल भी आप लोगों ने हमारे ऊपर मंडी चालू होने का करने का दबाव रखा और उसी के तौर पे आप मंडी में आके हमको तारीख डिक्लेयर करो ये मांग की, तो मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि जल्दी ही हम 5 दिसंबर को मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे अपनी मंडी ऑक्शन ओपनिंग हो जाएगा, 4 तारीख को ही रात को माल आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले स्लॉट बुकिंग करना जरूरी है। जिसका स्लॉट बुकिंग है उसी को ही अंदर एंट्री मिल जाएगी, बिना स्लॉट बुकिंग का एंट्री नहीं मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि पहले 2-3 दिन हम ग्राहक भी आते हैं और सब लोगों का सिस्टम बनाते, 1-2-3 दिन लगता है, तो पहले दिन 2-3 दिन में स्लॉट बुकिंग थोड़ा थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो अनार का न्याय देने का जो हमारा हक है और आप लोगों ने विश्वास रखा है वो हम ये साल भी पूरा करने जाएंगे। और पिछले साल अपनी जगह कम पड़ रही थी, हाउसफुल हो रहा था पहले साल में, ये साल हमने जगह भी बढ़ा दी है और किसान भाइयों का एक विश्वास और व्यापारी लोगों का भी विश्वास हमारे इधर अपने मंडी के ऊपर ज्यादा बैठने से ये साल उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक अच्छा न्याय देने की व्यवस्था हमने जो बना के रखी है उसका आप लोग भी स्वीकार करेंगे और पिछले साल जो जैसा हमारे ऊपर आपने भरोसा रखा उससे दुगना आप लोग भरोसा रखेंगे, ऐसा काम ये साल भी हम करने जा रहे हैं। तो विनती है कि 5 दिसंबर मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे ऑक्शन का टाइमिंग रहेगा और 4 तारीख को आपको रात को ही माल लाना है, वो भी स्लॉट बुकिंग पे, टोकन बुकिंग पे, और बिना टोकन बुकिंग का एक भी ट्रैक्टर अंदर नहीं आएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने को मंडी में रेट गिराने नहीं देने का है और जो हल्का माल रहेगा उनको विनती करता हूं कि पहला थोड़ा थोड़ा ही निकालिए, अच्छे माल थोड़ा सा रेट बढ़ने के हिसाब से, जब वो भी ग्राहक हल्के माल के आएंगे लेकिन अच्छा ही माल लेके आएंगे तो मशीन के ऊपर ग्रेडिंग करके
जो हम माल बेचेंगे तो जगह पे जो रेट अभी कम बेच रहे तो उससे मंडियों से अच्छे रेट निकलने की जब आशा आप रखेंगे और हम भी रखेंगे तभी सब लोग किसान भाई का फायदा होगा। यही मेरी अभी सब किसान भाई को विनती है। धन्यवाद।